हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं, न्यू खस्ता, जो चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, नमकीन। तो ये हम लोग बनाएंगे मैदा से। और इससे पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम मैदा ले लिए हैं। मैदा मैंने आधा किलो लिया है, जिसमें हम जान डालेंगे अजवाइन, तेल, थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको इसको मोइन करना है अच्छे से, क्योंकि हमारा नमकीन जो है खस्ता बने। तो देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मोइन करके आटा को गूँथ लिया है। हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। उसके बाद हम अच्छे से अपना नमकीन बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अच्छे से हम लोग बॉईल बना लेंगे, और उसके बाद उसको अच्छे से पतला बेलना है। अच्छे से इसको बेल लेना है। अच्छे से इसको बेलने के बाद पतला बेलना है हमको, मोटा नहीं रहना चाहिए। इसको कटर से या फिर नमकीन जो है ग्लास से या फिर थोड़ी सा होना चाहिए, ऐसे भी इसको काट सकते हैं। पहले इसको अच्छे से बेल लेना है, पतला बेलना है एकदम। ये देखिए, जैसे कि मैं बेल रही हूँ, आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, ऐसे एकदम पतला सा हमें रोटी की तरह एकदम से बेल लेना है। और इसको बेलने के बाद हम इसको अच्छे से छेद कर देना है, क्योंकि ये फूल जाता है। तो इसको अच्छे से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। उसके बाद हम इसे कटर या ग्लास से काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए, जैसे कि मैं काट रही हूँ, ऐसे ही सारे और भी बचे आटे को वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये मैंने सारा अच्छे से बेल लिया है, और उसके बाद इसको हम तल लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पैन में रिफाइंड तेल को ले लिया है, और इसको अच्छे से हीट कर देना है। उसके बाद हम लोग एक डाल के देख लेंगे, ये गर्म हो चुका है। इसमें हम सारे पूरियाँ डाल देंगे। इसका नाम मठरी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे डाल लिए हैं। अच्छे से इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमारी मठरी जो है फूलनी नहीं चाहिए, इसको अच्छे से उलट पुलट के पकाएंगे। और देखिए, मैंने सारे मठरी को ऐसे ही तल लिया है। यहाँ देखिए, मैं कुछ और डिफरेंट सा नमकीन बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये हमें ऐसे गोल गोल काट लेने हैं। एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हटा लेना है। उसके बाद एक चाकू से की सहायता से इसे बीच बीच से हम कट करेंगे। ध्यान रहे, पूरा नहीं कटना चाहिए, नहीं तो हमारा जो नमकीन है वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसको हम बारीक बारीक मोड़ लेंगे। देखिए, जैसे मैं मोड़ रही हूँ, ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। आप लोग इसको एक बार खा के बना के ज़रूर ट्राई करें। इसको आप लोग चाय के साथ शाम को नमकीन में, जब हमारी छोटी सी भूख लगती है ना, तब हम इसको ले सकते हैं। ऐसे ही हम सारे अपने कट करके और वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। मज़े की बात है कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये बनाते समय मुझे बहुत ही परेशानी हुई है, क्योंकि इस टाइम बनाते समय मेरा लाइट भी चला गया था, और बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ बनाने के टाइम में। ये देखिए, फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको ब्राउन होने तक पका लिया है, और इसको मैं चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से पका हुआ है। ये देखिए, कितना सा क्रिस्पी और कुरकुरा दिख रहा है आप लोगों को।
देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।